अगर आपको द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग के एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो बढ़ते हमारे एपिसोड 1 की तरफ, जिसमें हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है और उसमें क्योमिया बैठी होती है और स्कूल जा रही होती है। तभी उसके कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं और बताते हैं जिसका नाम बीस्ट हंटर गो था, उस गेम ने 10 मिलियन डाउनलोड्स पार कर लिए हैं, जिसकी वजह से और वो पूरे सिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि ये गेम बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से चल रही है। इसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गई है सनगाई सिटी में और कोई भी उसकी टक्कर का नहीं है। इसके जवाब में जो क्योमिया होती है वो बोलती है, अब देखते हैं कि सौरों कैसे उसकी पॉपुलैरिटी को टक्कर दे पाती है। फिर जो हेलीकॉप्टर होता है वो स्कूल में उतर जाता है और बिल्कुल वो एक प्रिंसेस की तरह नीचे उतरती है। उसके लिए कारपेट बिछाया जाता है, साथ ही वो बोलती है तुम्हारे फैक्शन की सबसे पॉपुलर गर्ल तुम्हारे सामने है। और क्योमिया काफी खुश होती है, लेकिन जब वो देखती है कि वो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो उसके वेलकम के लिए नहीं बल्कि जो शिल्पी है उसके स्वागत के लिए आए होते हैं, और ये देखने के बाद वो काफी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जो शिल्पी होती है उसके तो काफी फॉलोवर्स हो जाते हैं, वो उसे बोल रहे होते हैं कि ये तो काफी क्यूट बीस्ट है और उसे खिला भी रहे होते हैं। और जो क्योमिया होती है वो काफी एम्बेरेस हो जाती है। फिर जो उसका साथी होता है वो बताता है आपकी पॉपुलैरिटी गिर गई है, और वो देखती है वो तो तीसरे नंबर पर आ गई है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो देखती है उसके ऊपर तो फ्रॉगी 2 है, वो मन में बोलती है ये तो उसकी इंसल्ट है, और वो काफी गुस्से में आ जाती है और टैबलेट को तोड़ देती है। फिर जो गांव होता है वो बाकी स्टूडेंट्स को बताता है जो शिल्पी है वो उसे उसके घर के पीछे के जंगलों में मिली थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। जब उसने उसका इलाज किया तो वो उसी को अपना सब कुछ मानती है और सबसे ज्यादा उसे प्यार करती है। गांव लंबी लंबी फेंक रहा होता है, तभी जो शिल्पी होती वो बैंगलिंग को देखती है और उसके पास चली जाती है। ये देखने के बाद जो गांव होता है वो निराश हो जाता है, और जो बैंगलिंग होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि वो उसके नूडल्स के लिए आई है लेकिन वो उसे खिला रहा होता है। और दूसरी तरफ जो क्योमिया होती है वो तो काफी गुस्से में होती है, उसका मुंह बिगड़ रहा होता है। तभी उसकी नजर शिल्पी पे जाती है जो बैंगलिंग के पीछे घूम रही होती है। इस बात से उसे समझ आ जाता है अगर उसे इस फैक्शन की पॉपुलर गर्ल बनना है तो उसे शिल्पी को हटाना होगा अपने रास्ते से, और वो प्लान के बारे में सोचने लगती है। अगले सीन में हमें फ्रॉगी 2 को दिखाया जाता है जिसके इरादे कुछ अच्छे नहीं होते। वो शिल्पी को खाने आया होता है और ये बोल रहा होता है कि उसके अंदर जो ब्लड है उसे वो पीकर और भी ताकतवर बन जाएगा। तभी उस पर एक खतरनाक सा अटैक होता है और वो काफी चौंक जाता है और बोलता है कि कौन है, और गुस्से में पीछे मुड़कर बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई उसे मारने की। तभी वो देखता है कि वैंगलिंग ने उसे रोक लिया है। ये देखने के बाद उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो बोलता है वो तो बस उसकी प्रोटेक्शन के लिए आगे बढ़ रहा था। वैंगलिंग उसे घूर कर देख रहा होता है, और जो फ्रॉगी होता है वो जैसे तैसे बोलता है तुम्हें क्या लगा वो उसे खाने जा रहा है, ऐसा नहीं है, वो ऐसे अकेले में घूम रही है तो उसके लिए प्रोटेक्शन तो चाहिए, इसलिए वो उसके पास जा रहा था। ये बात सुनने के बाद वैंगलिंग शिल्पी के पास जाता है और उसके चारों तरफ एक रेखा खींच देता है, बिल्कुल लक्ष्मण रेखा जैसे, जिसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है, आखिर वो वैंगलिंग ने खींचा है। दूसरी तरफ जो फ्रॉगी होता है वो बोलता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। इतना सुनने के बाद जो वैंगलिंग होता है वो उसका जवाब नहीं देता है और फ्रॉगी को वहां से ले जाता है, वो भी घसीटते हुए। तभी हमें दिखाया जाता है झाड़ियों के पीछे क्योमिया छुपी होती है और वो देख रही होती है कि कब बैंगलिंग और फ्रॉगी वहां से चले जाएंगे। तब वो मौका देखकर शिल्पी को अपने पोकेबॉल में पकड़ लेगी, और बिल्कुल वैसा ही होता है। फ्रॉगी और बैंगलिंग के जाने के बाद वो आगे बढ़ती अपने पोकेबॉल के साथ और मन में बोल रही होती है कि अब उसके रास्ते का कांटा हट जाएगा। उसे पता नहीं होता है कि वहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींची हुई है जिसे वो पार नहीं कर सकती, और वहाँ पे वो लाइन पे पैर रख देती है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है जो क्लासरूम तक सुनाई देता है, और जो क्योमिया होती है वो दूर जाके एक पेड़ में गिरती है और लटक रही होती है। अगले सीन में हमारे स्टूडेंट्स की छुट्टी हो जाती है और वो सीधा शिल्पी के पास जाते हैं, वो भी अलग अलग तरह का खाना लेकर, और उसे बड़े चाव से खिला रहे होते हैं और वो भी खा रही होती है। तभी वहाँ पर टीचर बहन आ जाते हैं और सब स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा जाते हैं, और जो टीचर बहन होते हैं वो काफी गुस्से में होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं शिल्पी के पास, और सबको बता रहे होते हैं कि स्कूल में स्पिरिचुअल बीस्ट लाना मना है, तो ये रूल के अगेंस्ट है। इस बात से जो गांव होता है वो काफी परेशान होने लगता है कि अब वो यहाँ पे क्या करे। टीचर बहन शिल्पी के पास पहुंच जाते हैं और उसे काफी गुस्से में घूर रहे होते हैं, लेकिन जो शिल्पी होती है वो सहमी और डरी होती है, साथ ही वो बहुत क्यूट होती है, इसलिए जो टीचर बहन होते हैं वो उसको देखकर पिघल जाते हैं और उसे खिलाने लगते हैं। उसके साथ वो बोलते हैं इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, दोबारा से ऐसा मत करना,
इन बातों को सुनने के बाद जो गांव होता है वो चैन की सांस लेता है। दूसरी तरफ जो क्योमिया होती है वो शिल्पी को देख रही होती है, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है और उसी की वजह से उसका हाथ भी टूट गया। उसके बाद उसका बॉडीगार्ड आता है और उसे पिल खिलाता है जिससे वो ठीक हो जाए। बॉडीगार्ड ये भी बोलता है अगली बार हम शिल्पी को नहीं छोड़ेंगे, उसके पास जाके उसे पकड़ लेंगे। लेकिन जो क्योमिया होती है वो सोच रही होती है हम उसके पास तो नहीं जा सकते क्योंकि वो लकीर उसे पार करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए कोई और प्लान बनाना होगा। फिर उसे अचानक से ध्यान आता है उस पिल को खाते हुए और वो अपने बॉडीगार्ड से पूछती है क्या हमारे पास बीस्ट को इवॉल्व करने वाला पिल है। तो बॉडीगार्ड बोलता है हाँ बिल्कुल है। उसके बाद हमें शिल्पी को दिखाया जाता है जो चिप्स खा रही होती है, तभी उसके पास एक पिल आती है जिसे वो बिना सोचे समझे खा लेती है और उस पिल के खाने के चलते वो काफी बड़ी हो जाती है। जैसा कि तुम देख सकते हो वो बाकी स्टूडेंट्स को देख पा रही होती है और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो नीचे आते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। पीछे से टीचर बैन आते हैं और बोलते हैं शिल्पी एक बहुत अच्छा जीव है, शिल्पी एक शांत स्वभाव का जीव है, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो इसकी चिंता मत करो। तभी जो शिल्पी होती है वो डॉगी का घर तबाह कर देती है, साथ ही वो स्कूल के आसपास के एरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखने के बाद जो गाँव होता है वो बोलता है यह जितनी भी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी गई है शिल्पी के द्वारा उसकी भरपाई गांव खुद करेगा और जिसे भी इसके लिए बुरा लग रहा है तो वो इसके लिए माफी मांगता है। ये देखने के बाद जो टीचर बैन होते हैं वो बोलते हैं तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। वो इस बात पे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर शिल्पी आ जाती है और जितना भी उसने खाया होता है वो मिस्टर बैन के ऊपर निकाल देती है। इसकी वजह से जो मिस्टर बैन होते हैं वो काफी गुस्से में आ जाते हैं और हमारी टीम को बोलते हैं जल्दी से आओ इधर और इसे उठाकर एक कमरे में बंद कर दो जिसको मैं ताला लगा दूंगा। इसलिए वो एक स्कूल के रूम में शिल्पी को बंद करने आए होते हैं। उससे पहले उसे कई सारे क्वेश्चन दे देते हैं जिससे वो आराम से चैन की नींद सो सके। उसके बाद जो गांव होता वो बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, वो कल जरूर आएंगे मिलने तुमसे, अभी रात हो गई है तो तुम सो जाओ। और इतना सुनने के बाद जो शिल्पी होती है वो आराम करने लगती है और हमारी टीम वहां से जाने लगती है। उसके बाद जो टीचर बहन होते हैं उस रूम को ताला लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर क्योमिया आ जाती है जिसे देखकर जो शिल्पी होती है वो थोड़ा चौंक जाती है। क्योमिया बोल रही होती है कि ये जो बीस्ट है ये उसकी फैमिली की काफी हद तक मदद कर सकता है और इसकी मदद से वो कंट्री पर भी कब्जा कर सकते हैं, इसलिए वो वहाँ पर इवॉल्विंग स्टोन लेकर आई होती है जिससे वो शिल्पी को कंट्रोल कर पाएगी। और जो शिल्पी होती है वो उसके स्टोन को देखती है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो स्टोन को लेती है और खा लेती है। ये देखने के बाद जो क्योमिया होती है वो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, शिल्पी के ऊपर कूद जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टोन को खाने की, अब जल्दी से उसको अपने पेट से निकालो। लेकिन शिल्पी तो खा चुकी होती है और उसे स्टोन का असर भी शुरू हो जाता है और वो स्कूल की छत को फाड़ते हुए बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और शहर की तरफ बढ़ चुकी होती है। पूरे शहर पर तहलका मचा होता है, वो पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। इस चीज को देखते हुए सेवन स्टार स्क्वाड भी आ जाते हैं। जो जुई होता है वो अपने मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि इस पर अटैक करो और इसे खत्म करो क्योंकि ये शहर को खत्म कर देगी। तभी वहाँ पर गाँव आ जाता है और बोलता है ये मासूम था बीस्ट है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो इसे चोट मत पहुंचाओ। तभी जो शिल्पी होती है वो गांव को खा लेती है। ये देखने के बाद जो जुई होता है वो बोलता है कि इस पर अटैक करो। दूसरी तरफ जो वैंगलिंग होता है वो देख रहा होता है और जो फ्रॉगी होता है वो उससे पूछता है कि अब तुम इस पर क्या करोगे। वैंगलिंग उसके जवाब में बोलता है कि वो मासूम बीस्ट है तो मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं। तो फ्रॉगी बोलता है कि ये तो भेदभाव है। तो उसके जवाब में जो वैंगलिंग होता है वो उसकी सील को खोल देता है जिसके चलते हमारा फ्रॉगी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तभी वो वैंगलिंग से बातें कर ही रहा होता है कि शिल्पी उसे एक शॉट मार देती है और वैंगलिंग उसे बोलता है कि संभाल के। फ्रॉगी को इससे गुस्सा आता है और वो अपने अटैक के साथ तैयार होता है लेकिन जो वैंगलिंग होता है वो बोलता है कि रुको। दूसरी तरफ जो शिल्पी होती है वो अपने लाइटनिंग अटैक के साथ तैयार होती है और तभी वहाँ पर जुई भी आता है जो देखता है कि वैंगलिंग यानी कि उसके मास्टर है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैंगलिंग फ्रॉगी को बोलता है कि अपना मुंह खोलो और जो शिल्पी होती है वो फ्रॉगी के मुंह में चली जाती है जिससे वो शिल्पी की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन शिल्पी की पावर बहुत ज्यादा होती है जिसे फ्रॉगी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, उसकी भी हालत खराब हो गई होती है। इसी की वजह से जो फ्रॉगी होता है वो शिल्पी को बाहर फेंक देता है और जो शिल्पी होती है वो गांव को बाहर फेंकती है और साथ ही वो उसे स्टोन को भी और वैंगलिंग उसे स्टोन को तोड़ देता है। इसके बाद गांव को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और दूसरी तरफ जो शिल्पी होती है वो नॉर्मल हो जाती है। जुई ये देखने के बाद बोलता है ये बीस्ट तो बहुत खतरनाक है, हमें इसे कैप्चर करके रखना होगा।
होगा। इसके जवाब में वैंगलिंग बोलता है, ये दुनिया की ही नहीं है तो हम इसे कैप्चर करके क्यों रखें, और आगे बढ़ के एक पोर्टल खोल देता है जिसमें हमें कई सारे यूनिकॉर्न दिखाए जा रहे होते हैं और वो शिल्पी को वहीं भेज देता है। उसके साथ ही शिल्पी काफी खुश हो जाती है और हमारा एपिसोड भी यहाँ पे खत्म होता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।